को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। संतोष कुमार व्यास जी, मैं यहाँ का पुजारी हूँ और 1100 साल से मेरी फैमिली है, जो हमारे पूर्वज हैं वो सेवा पूजा करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और मंदिर का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है श्री कृष्ण भगवान आए थे, तो उस हिसाब से तो 5000 साल पुराना मंदिर है। फिर कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ कार्बन कुछ मतलब कुछ रिसर्च करके उन्होंने बोला कि 2500 साल पुराना है। लेकिन जो हमारा पुराना जो इतिहास है, कोई छोटे मोटे पेपर थे या कहीं से इतिहास पता पड़ा, तो 1100 साल। तो फिर कुछ आर्कोलॉजिस्ट भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी यही बोला कि 1100 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर एक्चुअल में राजा ने बनवाया था, ये तो जो अपने राजघराना है जयपुर राजघराना कछावा वंशज, तो ये कछावा वंशज के कुल देवता है। कुल देवी तो जमाई माता है और कुल देवता ये है। और इतिहास है, ये है कि कहानी है, बहुत सारी कहानी है कि गाय अपने आप दूध देती थी, दूध राजा को सपना आया, ये सारी चीज़ें जो अब तक बचपन से मैं सुनता आया हूँ। और बाकी इतिहास तो, और एक जो मेन चीज़ है, आज तक आपने देखा होगा कोई भी मंदिर होता है, शिवालय हो गया या कोई भी मंदिर होता है, उसकी सीढ़ियाँ अपन ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसीलिए इसका नाम अम्बकेश्वर है। और अम्बकेश्वर एक्चुअल में अम्बकेश्वर के बाद में राजा अम्बरीश, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी अम्बरीश रखा, मतलब अम्बरीश के द्वारा ही दिया आमेर। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आमेर नाम है एक्चुअल में, जो आम्बेर बोलते थे इसको, तो ये आमेर नाम इसी मंदिर के नाम से आगे बढ़ा है। और आप आइए और आप और वीडियो या शूट करना चाहते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने की थी इस मंदिर में शिव जी की पूजा। अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर जयपुर राजस्थान में स्थित है। गुलाबी नगर जयपुर शहर की राजधानी रहा आम्बेर, जिसे आम्बेर भी कहा जाता है, का नामांकरण अम्बिकेश्वर महादेव के नाम पर हुआ है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में पूजा की थी। भगवत पुराण में श्री कृष्ण के अंबिका वन में आने और अम्बिकेश्वर महादेव की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। नंद बाबा और ग्वालों के संग श्री कृष्ण इस वन में ही आए थे। उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, साथ ही इंद्र के पुत्र सुदर्शन को भी श्राप से मुक्त कराया था। ऋषियों का अपमान करने के कारण सुदर्शन को अजगर बनने का श्राप मिला हुआ था और वह यहाँ अंबिका वन में रहता था। यह पौराणिक मंदिर आज भी जन आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। इसकी जलहरी भूतल से करीब 22 फुट गहरी है। और इस मंदिर की एक खासियत यह है कि बारिश के मौसम में यहाँ भूभर्ग का जल ऊपर तक आ जाता है और मूल शिवलिंग जलमग्न रहता है। बारिश का मौसम समाप्त होते ही यह पानी वापस भूभर्ग में चला जाता है, जबकि ऊपर से आया पानी भूभर्ग में नहीं जाता। यह मंदिर 14 खंभों पर टिका हुआ है। आमेर के इतिहास को लेकर कई मत है। कुछ इतिहासकारों ने आमेर में महाअंबिका या अम्बरीश नामक राजा के शासन का वर्णन भी किया है। एक इतिहास के अनुसार मीणों के 52 ठिकानों की मुख्य राजधानी आम्बेर को कांकिलदेव कछवाहा ने 11वीं शताब्दी में सुरसिंह भत्तो मीणा से छीन कर इसे अपनी राजधानी बनाया। कांकिलदेव ने देखा कि एक गाय एक खास स्थान पर जाकर दूध देती है, इस पर उसने यहाँ खुदाई करवाई तो यह शिवलिंग मिला। यहाँ पर उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया। पास ही एक कुंड है जिसे पन्ना मीना के कुंड के नाम से जाना जाता है। आमेर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जयपुर से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यहाँ तक निजी साधन टैक्सी अथवा बस से पहुंचा जा सकता है।
रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। बस स्टैंड नजदीकी बस स्टैंड सिंधी कैंप बस स्टैंड करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर है।